वेलकम बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मस्ती की पाठशाला। तो आज हम क्लास फोर का साइंस ओलंपियाड 2019-20 का पेपर को सॉल्व करेंगे बच्चों, जो कि सेट ए है। इससे पहले भी मैंने ना 2018-19 का प्रीवियस ईयर का और पेपर एक को अपलोड कर चुका हूँ इस वीडियो को। अगर आपको देखना तो आप इस वीडियो को पक्का सब्सक्राइब करो बच्चों। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तभी आप उस वीडियो को देख सकते हो बच्चों, ठीक है? तो आप इसको पक्का सब्सक्राइब करो। तो लेट्स स्टार्ट बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि लॉजिकल रीजनिंग है बच्चों, ठीक है? प्रज्ञा इज फेसिंग द हॉस्पिटल। प्रज्ञा कहाँ फेस कर रही बच्चों? हॉस्पिटल को। शी मेक्स 3/8 टर्न टू हर लेफ्ट, व्हाट विल शी बी फेसिंग नाउ? अभी देखो टोटल कितने प्लेस है बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्लेस है टोटल, ठीक है? अभी 8 प्लेस में से प्रज्ञा कहाँ है? हॉस्पिटल को फेस कर रही है। देखो हॉस्पिटल, अभी प्रज्ञा हॉस्पिटल को फेस है, तो क्या कर रही हो? शी मेक्स 3/8 टर्न, 3/8 टर्न, टोटल 8 प्लेस में से 3 टर्न, मतलब 1, 2, 3, हॉस्पिटल यहाँ है तो 1, 2, 3 टर्न कर लिया, ठीक है? किधर? टू हर लेफ्ट, प्रज्ञा यहाँ खड़ी है तो प्रज्ञा का राइट इस तरफ होगा बच्चों, लेफ्ट इस तरफ होगा, तो हमें लेफ्ट में जाना है, 1, 2, 3। देखो राइट, आप खुद का लेफ्ट मत करना बच्चों, आपका लेफ्ट होगा लेफ्ट और हमारा राइट होगा, लेकिन प्रज्ञा का कौन सा लेफ्ट है? ये है, तो 1, 2, 3। तो अभी वो कहाँ फेस कर रही बच्चों? देखो म्यूजियम, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है? वो म्यूजियम को फेस कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सर्कल्स आर देयर इन द गिवन फिगर? अभी देखो फिगर में कितने सर्कल्स हैं हमें काउंट करना है जस्ट। देखो छोटे छोटे सर्कल्स, पहले उसको काउंट कर लेते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। टोटल कितने हो गए बच्चे? 19, और ऊपर से ये दो बड़ा सर्कल, देखो उसका पेट और एक उसका मुंह, तो 21, टोटल 21 सर्कल है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, टोटल 21 सर्कल्स है बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण वेंट टू द स्कूल एवरी डे इन द नवंबर, इफ ईच संडे एंड ऑड सैटरडेज आर हॉलीडेज देन फॉर हाउ मेनी डेज डिड ही गो टू द स्कूल? अभी वरुण देखो स्कूल में जाता है इस नवंबर मंथ में, कैलेंडर दे रखा है, तो क्या बोल रहा है कि एवरी ईच संडे, जो संडे में देखो टोटल 4 डेज है, सभी हॉलीडेज है एंड ऑड सैटरडेज, ऑड सैटरडेज मतलब फर्स्ट और थर्ड सैटरडे। एक तो संडे को देखो ये हॉलीडे हो गया पूरा 4 डेज, फिर ऑड सैटरडे मतलब फर्स्ट और थर्ड, ये सेकेंड और 20, ये देखो ये 12 और 26 जो इवन सैटरडे, ये ऑड मतलब फिफ्थ सैटरडे और 19 सैटरडे, फर्स्ट एंड थर्ड ये हॉलीडे है, तो टोटल कितने दिन के लिए, मतलब हाउ मेनी डेज डिड ही गो टू द स्कूल? तो देखो पहले हॉलीडेज कितना था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेज हॉलीडेज, ठीक है? तो टोटल डेज कितना था बच्चों? 30 माइनस 6 मतलब 24, तो 24 डेज के लिए वो स्कूल गया था बच्चों, ठीक है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, वट कम्स नेक्स्ट इन द गिवन फिगर पैटर्न? अभी फिगर पैटर्न दे रखा है बच्चों, देखो 8, 16, 24, ये नंबर पैटर्न है। अभी देखो ये 8 के टेबल में दे रखा है, देखो 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, तो नेक्स्ट फिगर में क्या आएगा? 8 4 जा 32। अभी ऑप्शन में देखो 32 तीन दे रखा है बच्चों, देखो बी सी और डी में, लेकिन ये फिगर में देखो शेडेड पोर्शन क्या हुआ, ये यहाँ पर चेंज हो गया, देखो यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ है, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होकर यहाँ पर, तो ये सेम जो दो शेडेड पोर्शन है और ये दो अनशेडेड, ये भी एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ये एक और ऐसा आ जाएगा बीच में, तो देखो ये ऑप्शन बी में ये करेक्ट आंसर दे रखा है। देखो ये दोनों शेडेड पोर्शन देखो मिक्स नहीं है, ये और ये बहुत दूर है, तो ये इसका देखो इसके साथ है 32, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होने के बाद, और ऊपर से क्या है 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर इफ द मिरर इज प्लेस्ड अलोंग एम एन एन। अभी देखो एम एन एन और इसका मिरर इमेज, देखो बी ओ आर ई डी बोर्ड और एन ओ आर टी एच नॉर्थ, इसका मिरर इमेज इस तरफ आएगा तो बी ओ वो सब ऊपर से नीचे तक आएगा, लेकिन सब उल्टे दिखेंगे बच्चों, नॉर्थ का भी उल्टा दिखेगा। अभी देखो इसमें देखो ये ऑप्शन बी, देखो डी ऐसा ऊपर से नीचे नहीं होगा बच्चों, ये ऐसा होगा उल्टा, बी ओ आर ई डी, लेकिन ये उल्टा हो गया, तो ये ऑप्शन तो गलत ही है बी, ठीक है? क्योंकि ये डी जो है वो ऊपर चला गया, तो ये गलत है। बाकी ऑप्शंस में देखो, देखो इसमें सभी में उल्टा है, लेकिन डी में देखो और इसमें देखना है हमें, किस में? सी में, सी में देखो ये आर जो है ना, ये आर को देखो ये सही सीधा है, तो ये भी गलत है, ये उल्टा हुआ ही नहीं है इसमें, तो इसको भी ये भी गलत है, ठीक है बच्चों? अभी इसमें ए और डी में देखना है हमें, तो बी ओ बी उल्टा है, ओ आर भी उल्टा है, ई डी देखो बोर्ड लिखा है, और नॉर्थ एन वहाँ से शुरू हुआ, एन ओ आर टी एच, ये भी सही है बच्चों, ठीक है? और इसमें देखो इसमें भी गलत दे रखा है,
तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है, क्योंकि वो उल्टा दे रखा है, ठीक है, और इसमें उल्टा नहीं हुआ है, ठीक है बच्चों। ये एन देखो ये उल्टा हुआ है, ये एन देखो ये सीधा ही है, दिख रहा है ये सीधा का सीधा है, ये उल्टा हुआ है नहीं, जबकि यहाँ उल्टा हुआ है, तो मिरर इमेज में उल्टा हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो इसमें आर सीधा है, इसमें एन सीधा है, तो ये भी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऐसे फाइंड आउट कर लेने का, ठीक है। बाकी फिर बचा क्या है बच्चों, ए, तो ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन डेट गिव्स द नेम ऑफ द क्लोथिंग आइटम वोन इन विंटर्स, ठीक है बच्चों। तो ये विंटर में कौन सा क्लोथिंग यूज करते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है बच्चों, ठीक है। अभी इसमें देखो, इसको अनस्क्रैम्बल पहले करना है, ठीक है। ये क्या है, ये कैटग्रियन है बच्चों, ठीक है, ये रेनकोट है, ये शॉर्ट्स है, तो शॉर्ट्स तो हॉट में पहनते हैं, रेनकोट रेनी सीजन में, ये कैटग्रियन जो है विंटर में पहुँचते पहनते हैं मतलब बच्चों, ठीक है। तो ए इज द वो स्वेटर होता है एक तरीके का, जो कॉलरलेस होता है, जिसमें कॉलर नहीं होता है, ठीक है बच्चों। और ये रेनकोट तो हम रेनी सीजन में पहनते हैं, और ये शॉर्ट्स जो है समर में पहनते हैं, ये शॉर्ट्स हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट लेटर स्ट्राइक आउट एवरी ऑल्टरनेट लेटर टू गेट द नेम ऑफ अ मटेरियल। अभी फर्स्ट लेटर को स्ट्राइक करना है, फिर एवरी ऑल्टरनेट लेटर, फिर ओ ऑल्टरनेट है, एस ऑल्टरनेट, क्यू और जेड। अभी क्या मिला, एम ई टी ए एल मेटल मिला बच्चों, ठीक है। अभी सेलेक्ट द आइटम डैट इज नॉट मेड बाई यूजिंग दिस मटेरियल। अभी मेटल से जो चीज़ नहीं बना है ना, उसको हमें सेलेक्ट करना है। अभी देखो, क्रेयॉन्स, क्रेयॉन्स तो मेटल से नहीं बनता है बच्चों, ठीक है। तो यही ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। टेलीविजन में मेटल यूज होता है, प्रेशर कुकर तो पूरा मेटल का ही होता है, ब्रिज भी हमें मेटल का ही बनाना होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, क्रेयॉन जो ड्रॉइंग के लिए यूज करते हैं ना, वो मेटल का नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन डिहाइड्रेशन फूड इज प्रिजर्व्ड बाय। अभी डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, ड्राइंग प्रोसेस होता है बच्चों, जिसमें से हम मॉइस्चर निकालते हैं फूड से। अब फूड से मॉइस्चर कैसे निकालेंगे, उसको ड्राई करके। तो ऑप्शन बी, ड्राइंग इज द करेक्ट आंसर। फूड इज प्रिजर्व्ड बाय ड्राइंग। फ्रीजिंग तो फ्रीज करते हैं, एडिंग सॉल्ट नहीं, स्टीमिंग उबाल करके, ये भी नहीं होता है। तो ड्राइंग, ये दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गिवन फिगर शोज टू गैसेस एक्स एंड वाई डेट आर यूज बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स ड्यूरिंग डे टाइम। विच ऑफ दिस कैन बी एक्स एंड वाई। अभी एक्स एंड वाई क्या है, हमें फाइंड आउट करना है। अभी देखो, एनिमल्स क्या होता है, प्लांट्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है एक्स बच्चों। क्यों, क्योंकि एनिमल ऑक्सीजन यूज करता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, और प्लांट्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है ना, फोटोसिंथेसिस ड्यूरिंग डे टाइम में। तो ये क्या हुआ, एक्स क्या है, ऑक्सीजन, और वाई क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो, एक्स कहाँ है, ऑक्सीजन, और सी, ऑप्शन सी, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है बच्चों, समझ गए ना। एनिमल क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हम जो रेस्पिरेट करते हैं ना बच्चों, ब्रीथ करते हैं तभी, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और प्लांट क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस बोलते हैं हम, जिसमें वो फूड बनाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज करता है और ऑक्सीजन देता है हमें, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुर कैनॉट रन फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज ही बिकम शॉर्ट ऑफ ब्रीथ एंड हीज मसल्स स्टार्ट टू एक। इट इंडिकेट्स दैट हीज डैश इज नॉट वेरी सफिशियंट। अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसको बच्चों, ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो रहा है और उसका मसल स्टार्ट टू एक, उसका मसल पेन कर रहा है। ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो रहा है मतलब उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक नहीं है, ठीक है, उसको ब्रीथिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम ठीक नहीं है, इसलिए इट इंडिकेट्स दैट हीज रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉट वेरी सफिशियंट, ठीक है। वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा सारे मसल्स तो हमें पेन करना शुरू हो जाएगा बच्चों, ठीक है, जब हम एक्सरसाइज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी प्रिफर टू वियर डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन विंटर बिकॉज दिस क्लोथ रिफ्लेक्ट्स द हीट एंड कीप द बॉडी कूल। ये गलत बोल रहा है बच्चों, रिफ्लेक्ट हीट एंड कीप द बॉडी कूल, ये तो समर के लिए यूज होता है। फिर क्या है, दिस क्लोथ एब्जॉर्ब द हीट एंड कीप द बॉडी वॉर्म। ये सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि वो एब्जॉर्ब हीट करता है, डार्क कलर क्लोथ्स है ना बच्चों, इसलिए हम उसको विंटर में पहनते हैं ताकि हम, हमारा जो बॉडी है उसको वार्म मिले बच्चों, कीप द बॉडी वार्म, ठीक है, क्योंकि वो एब्जॉर्ब करता है हीट को। सी क्या बोला, दिस क्लोथ्स कीप द एयर एंट्रैप्ड एंड डू नॉट अलाउ हीट टू एस्केप दस कीपिंग द बॉडी वार्म। ये भी गलत बोल रहा है, दिस क्लोथ्स रिफ्लेक्ट्स द हीट एंड कीप द बॉडी वार्म, ये भी गलत है, रिफ्लेक्ट करेगा तो फिर वार्म कैसे, कूल करेगा वो तो, ठीक है, तो ये भी गलत बोल रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर हिडन इन द गिवन वर्ड ग्रिड। ठीक
ठीक है, एक वर्ड ग्रिड दे रखा है, तो इसमें सम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर हिडन. अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर्स एंड सेलेक्ट द वन विच कैनॉट बी फाउंड, कैनॉट बी फाउंड इन द ग्रिड, जो नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है. अभी देखो बच्चों, अभी इसमें कौन सा चीज़ नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है. अभी फर्स्ट क्या है देखो, इसको अनस्क्रैम्बल करेंगे तो ये क्या मिलेगा, बायसाइकिल. ठीक है बच्चों, बायसाइकिल. सेकेंड को अनस्क्रैम्बल करेंगे तो एरोप्लेन. ठीक है बच्चों, अब इसको ये ट्रेन, टी आर ए आई एन ट्रेन. इसको देखो, इसको करेंगे तो ट्रक, टी आर यू सी के ट्रक. अभी देखते हैं यहाँ पर बाईसाइकिल है क्या. हाँ देखो ये बाईसाइकिल है ना बच्चों, ये बाईसाइकिल दे रखा है, देखो बाईसाइकिल यहाँ पर है. नेक्स्ट क्या, एरोप्लेन है क्या, नहीं एरोप्लेन इसमें नहीं है. ट्रेन है, देखो ट्रेन है क्या, अभी ट्रेन मिल रहा है क्या, देखो कहीं पर है ट्रेन, ट्रेन देखना है. और हमें ट्रक है, देखो ट्रेन भी है इधर पे. ठीक है बच्चों, ट्रेन है, ट्रक भी है देखो यहाँ पर. तो कौन सा नहीं है, एरोप्लेन नहीं है. तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों. ठीक है, क्योंकि एरोप्लेन उस वर्ड ग्रिड में है ही नहीं. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्रोसेस पी टू एस. अभी देखो ये प्रोसेस दे रखा है पी टू एस इन द गिवन फिगर ऑफ वाटर साइकिल एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सेलेक्ट करना है हमें कौन सा सही है. अभी पी क्या है देखो, यहाँ इवोपरेशन हो रहा है क्या, इधर ओशन है, वाटर इवोपरेटेड होता है, ऊपर जाके कंडेंसेशन हो जाता है यहाँ पर. ठीक है बच्चों, क्लाउड्स फॉर्म हो जाता है. और फिर यहाँ से आर क्या है देखो, रेन बनकर नीचे गिर रहा है, प्रेसिपिटेशन हो जाता है. तो वहाँ से पानी नीचे गिरता है और फिर बाद में यहाँ से फिर अगेन ओशन में आया था रन आउट थ्रू. तो फिर क्या है देखो, ये क्या बोला, प्रोसेस विच कॉजेस क्लोथ्स टू ड्राई, तो उसके लिए तो इवोपरेशन. तो मतलब पी, पी मतलब ये ऑप्शन ए. ठीक है, इवोपरेशन है ना, पी प्रोसेस कौन सा हमारा, इवोपरेट हो रहा है. तो ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स क्या है, वो इवोपरेशन है. और ये क्या बोला, प्रोसेस विच समटाइम्स कॉजेस फ्लड, मतलब जो रेन वाटर जो ऊपर से प्रेसिपिटेशन होकर के जो रेन वाटर गिर रहा है उसी की वजह से तो फ्लडिंग होती है बच्चा, है कि नहीं. तो ये आर, ये भी सही है, मतलब पी एंड आर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है बच्चों. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू द गिवन फ्लो चार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप्ड इनकरेक्टली. अभी इसको फ्लो चार्ट को देखना है और इनकरेक्ट कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है. देखो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी तीन ग्रुप में दे रखा है, एल एम और एन. एल में क्या है, ब्रेड चपाती पल्सेस. एम में बटर मार्गरीन ऑयल. एन में क्या है, फिश एग और मीट. अभी एन में फिश एग मीट ये सारे प्रोटीन रिच फूड्स है बच्चों, इसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है. ठीक है, तो तीनों प्रोटीन वाला है, सही है. एम में देखो बटर मार्गरीन एंड ऑयल है, ये तीनों के तीनों फैट्स वाले फूड है बच्चों, इनमें बहुत ज़्यादा फैट होता है. ठीक है, एल में क्या है, ब्रेड चपाती पल्सेस. ब्रेड और चपाती में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, पल्स तो प्रोटीन होता है बच्चों इसमें सबसे ज़्यादा. तो ये गलती किस में है, इसमें है, पल्स, पल्स यहाँ नहीं होना चाहिए. क्यों, क्योंकि ये प्रोटीन रिच फूड है, प्रोटीन है होता है इसमें ज़्यादा, और ये दोनों क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट वाला है. तो पल्स, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भव्य लिस्टेड फोर बर्ड्स नेमली क्रो, स्पैरो, माइना एंड ईगल टुगेदर इन द सेम ग्रुप, बट हर फ्रेंड्स आर्ग्यूड दैट वन बर्ड इज एन ऑड वन इन द ग्रुप एंड गेव डिफरेंट रीजन फॉर दिस, विच ऑफ दिस फ्रेंड्स आर्ग्यूड करेक्टली. अभी कौन करेक्ट आर्ग्यू कर रहा हो देखना है. पर देखो चारों बर्ड क्या, क्रो, स्पैरो, माइना एंड ईगल. ईगल तो कार्निवोरस है, आपको पता है ईगल सिर्फ एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह यही सब खाता है, प्लांट को नहीं खाता है. जबकि क्रो, स्पैरो और माइना वो ओमनिवोरस है, वो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं. ठीक है बच्चों, तो देखते मायरा क्या बोल रही है. मायरा बोल रही स्पैरो इज अ हर्बीवोर अनलाइक अदर्स. गलत बोल रहे बच्चों, हर्बीवोरस मतलब क्या होता है, जो सिर्फ प्लांट खाता है. लेकिन मैंने बोला ना स्पैरो क्या है हमारा, ओमनिवोरस है. तीनों के तीनों जो है ये ओमनिवोरस है और ये जो है कार्निवोरस है. गलत बोल रही बच्चों. ठीक है, तो गलत है. बी क्या बोली नम्रता, ईगल इज ए कार्निवोर अनलाइक अदर्स. बराबर बोले, ईगल ही एक ऐसा है जो कार्निवोर, सिर्फ एनिमल और ये इंसेक्ट्स एनिमल्स ही खाता है बस. ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. सपना क्या बोल रही, क्रो इज ए कार्निवोरस अनलाइक अदर. नहीं, वो तो ओमनिवोरस है, दोनों खाता है प्लांट और एनिमल. माइना इज ए हर्बीवोर अनलाइक अदर. नहीं, माइना भी दोनों है, मतलब ओमनिवोरस है, वो प्लांट और एनिमल दोनों खाता है. तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस मशीन वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल एज डज द सी सॉ. अभी सी सॉ आपने देखा होगा बच्चों, आपने है ना, सी सॉ ऐसा, इधर पे एक लड़का बैठता है, इधर पे दूसरा बच्चा बैठता है, तो दोनों ऊपर नीचे होते हैं. तो लीवर कहाँ होता है बच्चों, बीच में. अभी हमें देखना है इनमें चारों जो दे रखा है मशीन कैसे बीच में लीवर. देखो कैंची में भी लीवर कहाँ है, बीच में है.
इसमें ये प्लायर में भी कहाँ है, यहाँ बीच में है, ठीक है। इसमें देखो ये नट क्रैकर, इसका लीवर बीच में है क्या, सेंटर में नहीं, ये यहाँ पर है, यहाँ से ऊपर से हम दोनों को उठाते हैं और यहाँ पर नट क्रैक करते हैं, तो उसका लीवर साइड में है, तो ये काम नहीं, ये बीच में देखो क्यू एंड आर। और ये जो है ये डोर जो है ना, ये इसमें लीवर वाला एक्शन में काम नहीं करता बच्चों, इसमें ये एक्सल एंड व्हील काम करता है, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो क्यू एंड आर जिसका सेंटर में है ना, वो सही आंसर है, क्यू एंड आर, ऑप्शन बी, क्यू एंड आर इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द गिवन प्रोसेस एक्स। अभी एक्स एक प्रोसेस है, इसमें दिखा रहा है देखो ये सी है और ये लैंड है। अभी क्या हो रहा है, यहाँ से जो सी से ना जो हवा है ना वो लैंड की तरफ जा रही है, मतलब क्या है ये सी ब्रीज। सी ब्रीज कब होता है बच्चों, ड्यूरिंग डे टाइम में, जब क्या होता है लैंड के ऊपर जब हवा जो होती है ना एयर, वो हॉट होकर के ऊपर की तरफ जाती है, तो सी का जो कूल एयर है वो लैंड की तरफ आती है, उसको सी ब्रीज बोलते हैं। अभी देखो कौन सा करेक्ट है, ड्यूरिंग डे टाइम लैंड कूल फास्टर देन द सी, ये गलत बोल रहा है बच्चों, हॉट होता है जबकि। बी क्या बोला, हॉट एयर अबोव द लैंड राइजेज अप ड्यूरिंग द डे टाइम, ये सही है ऑप्शन बी, तभी तो हॉट एयर जो लैंड का है ना वो ऊपर की तरफ जाता है, तो इसीलिए वो सी का जो एयर है वो लैंड की तरफ आता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सी क्या बोला, हॉट एयर फ्रॉम द सी रशेज टूवर्ड द लैंड, गलत है, वो कूल एयर होता है, हॉट एयर तो ऊपर की तरफ जाएगा, ये कूल है इससे इस तरफ आ रहा है, डी नन ऑफ दिस भी गलत, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभूति टुक फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेनर एंड पोर्ड वाटर इन दैम एज शोन इन द फिगर, अरेंज द कंटेनर इन द ऑर्डर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर कंटेंट इन दैम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी W में कितना है, देखो ये सभी ml में दे रखा, ऊपर देखो आप सभी ml's में है, है ना, तो W में कितना ml है, इसमें 10 ml है। x में देखो इधर 8 तक है, इसमें 8 ml है। y में भी देखो नीचे, इसमें भी 10 ml है। और z में कितना है, देखो इधर 8 ml है, मतलब W एंड Y, W इज इक्वल टू Y और X इज इक्वल टू Z, क्योंकि दोनों 8 है ना, X इज इक्वल टू Z, तो इन दोनों का कितना है 8 है, इसका 10 है, मतलब ये बड़ा है, मतलब W इज इक्वल टू Y बट ग्रेटर देन X इज इक्वल टू Z, क्योंकि इनका 10 है इसका 8 है, तो देखो ये कॉम्बिनेशन कहाँ है बच्चों, ऑप्शन ए, W इज इक्वल टू Y बट ग्रेटर देन X इज इक्वल टू Z, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द गिवन फूड चेन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अभी फूड चेन दे रखा है बच्चों, ठीक है, देखते हैं कौन सा करेक्ट है। ए क्या बोला, प्लांट, प्लांट के बाद फिर लायन, अरे प्लांट को कभी लायन खाता है क्या, नहीं, तो ये तो गलत ही, इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये गलत है, प्लांट को कभी लायन नहीं खाता है। बी क्या बोला, व्हीट, व्हीट को बर्ड खाता है, ओके, बर्ड को एलिफेंट खाता है क्या, नहीं, ये भी गलत है, एलिफेंट तो हर्बीवोरस है, वो प्लांट ही खाता है। सी क्या बोला, ग्रास, फिर ग्रास शॉपर, बरोबर है, ग्रास को ग्रास शॉपर खा लेता है, फिर ग्रास शॉपर को फ्रॉग खा लेता है, ये भी सही है, फिर फ्रॉग को स्नेक खा लेता है, ये भी सही है, तो ऑप्शन सी है ना, ये हमारा करेक्ट फूड चेन है। डी क्या बोलता है, देखो कॉर्न, कॉर्न को चिकन खाता है, हाँ, चिकन को स्नेक खाता है, वो भी सही है, स्नेक खा लेता है चिकन को, लेकिन स्नेक को एलिफेंट खाता है क्या, नहीं, ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरिणी टुक टू हेल्दी ग्रीन प्लांट्स ऑफ इक्वल साइज, पुट देम इन टू बॉक्सेस, देखो टू बॉक्सेस में एल एंड एम में डाल दिया है, एल एंड एम, मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड प्लेस देम अंडर द सन एज शोन इन द फिगर, शी वॉटर बोथ द प्लांट्स डेली बट द प्लांट इन सेट एम डाइड वाइल द प्लांट इन सेट एल ग्रू वेल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब दिस। मतलब क्या हुआ, धरिणी ने दोनों को प्लांट में पानी भी डाला, सन के अंदर भी, देखो इसमें होल भी है दोनों बॉक्सेस में, मतलब प्लांट को एयर भी मिल रहा है, ठीक है, लेकिन फिर भी पानी भी मिल रहा है, वो पानी डाल रही है, लेकिन फिर भी एम जो है वो डाइड, ठीक है, वो मर जाता है प्लांट, और ये अच्छा ग्रो करता है, तो क्यों ग्रो कर रहा है, क्योंकि उसको सनलाइट अच्छे से मिल रही है, जबकि एम को सनलाइट अच्छे से नहीं मिल रही होगी, तो देखते कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब, ए प्लांट इन द सेटअप एम कुड नॉट गेट एयर, दोनों को एयर मिल रहा है, ये तो गलत बोल रहा है, मतलब एयर तो दोनों को मिल रहा है। बी क्या बोला, बॉक्स इन द सेटअप एम इज मेड ऑफ क्लियर ग्लास, अभी ये ग्लास का अगर ये बॉक्स बना होता तो उसको तो सनलाइट तो मिलती ना, तो मरता थोड़ी है, तो ये भी गलत बोल रहा है। सी क्या बोला, प्लांट इन द सेटअप एम कुड नॉट गेट सनलाइट, बरोबर है, इसको सनलाइट नहीं मिला है तभी वो मर गया है, तो ये सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बॉक्स इन द सेटअप एल इज मेड अप ऑफ वुड, अगर ये वुड का बना होता तो उसको सनलाइट मिलता क्या, नहीं, तो और ये मर जाता फिर एम के साथ ही, लेकिन वो वुड का नहीं बना, वो पक्का
ग्लास का बना होगा इसलिए वो अच्छा ग्रो कर गया, तो ये भी गलत बोल रहा है। तो ऑप्शन सी जो है ना बच्चों हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित कंटिन्यू टू हीट 100 ml ऑफ प्योर वाटर फॉर 15 मिनट्स। आफ्टर इट रीच बॉइलिंग पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज द रिजल्ट एट द एंड ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, अमित ने क्या किया, 100 ml वाटर को 15 मिनट तक बॉयल किया। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया मतलब बॉयल कर रहा है, 100 डिग्री तक बॉयल किया 15 मिनट। तो क्या होता है, बॉयल होने में क्या होता है बच्चों, जो वाटर होता है ना वो कन्वर्ट होता है गैस, वाटर वेपर में गैस बन जाता है। अगर वाटर गैस में कन्वर्ट होगा तो वाटर का तो वॉल्यूम भी तो कम होगा ना, 100 ml है तो कम हो जाएगा 15 मिनट के बाद। हम देखो कभी चाय बनाते हो या फिर पानी बॉयल करते हो गैस में, थोड़ी देर के बाद देखना उसका लेवल कम हो जाएगा। क्यों कम होता है, क्योंकि वो बॉइलिंग पॉइंट जैसे गर्म हो जाता है 100 डिग्री पहुंचने पर, तो उसका जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अभी देखो ए क्या बोल रहा है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड बरोबर बोल रहा है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन 100 ml 15 मिनट के बाद तो वॉल्यूम कम हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो सेम दिखा रहा है तो ये गलत बोल रहा है बच्चों। ठीक है, क्योंकि सेम वॉल्यूम और टेम्परेचर से ही दे रहा है, लेकिन वॉल्यूम सेम नहीं हो सकता। बी क्या बोल रहा है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड बरोबर बोल रहा है, बॉइलिंग के टाइम पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है और वॉल्यूम भी कम हो गया देखो 65 ml, तो ये सही है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें सी में क्या बोल रहा है, देखो वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर 110, टेम्परेचर हमेशा 100 पे ही रहेगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो ये भी गलत बोल रहा है। तो यहाँ पर देखो इसमें वॉल्यूम तो कम हो गया लेकिन टेम्परेचर बढ़ गया 110, तो ये भी गलत है, तो ये दोनों गलत है बच्चों। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेनो प्रिपेयर टू मिक्सचर्स पी एंड क्यू एज शोन। देखो पी ने क्या बनाया, शुगर एंड वाटर। क्यू ने क्या बनाया, चॉक पाउडर प्लस वाटर, ये मतलब मिक्स कर दिया वाटर में, चॉक पाउडर मिक्स कर दिया, इसने वाटर में शुगर मिक्स कर दिया। आइडेंटिफाई द मेथड दैट कैन बी यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर पी एंड क्यू। अभी दोनों को फिर से सेपरेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये चॉक पाउडर का तो ईजी है बच्चों, क्योंकि चॉक पाउडर डाला हुआ है ना, उसको एक फिल्टर पेपर में आप पोर करोगे तो वाटर नीचे की तरफ रह जाएगा और फिल्टर पेपर के ऊपर आपको चॉक पाउडर मिलेगा, तो फिल्ट्रेशन से आप इसको कर सकते हो। तो क्यू में देखो फिल्ट्रेशन दे रखा है, देखो लास्ट ऑप्शन में यहाँ फिल्ट्रेशन दे रखा है, और पी के लिए शुगर और वाटर, शुगर क्या होता है उसमें वाटर में पूरा डिजॉल्व हो जाता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे बॉयल करना पड़ेगा। बॉयल करेंगे तो क्या होगा, जो भी वाटर होगा ना वाटर वेपर बन करके ऊपर की तरफ जाएगा, जिसे हम एक अलग से कंटेनर में हम कलेक्ट कर सकते हैं उस वाटर वेपर को, तो इससे क्या हो रहा है मतलब इवोपरेट कर रहे हैं हम उसको, उस सॉल्यूशन को हम इवोपरेट कर रहे हैं, ताकि वाटर वेपर जो है ना ऊपर की तरफ जाएगा वाटर, और उसको हम कंडेंसेशन करके फिर वाटर बना लेंगे। देखो इवोपरेशन एंड कंडेंसेशन, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पर हम उसको इवोपरेट कर रहे हैं। इवोपरेट करने के बाद क्या होगा, नीचे सब शुगर बच जाएगा और जो वाटर वेपर हम अलग कंटेनर में जो कलेक्ट करें उसको कंडेंसेशन मतलब ठंडा करके उसको वाटर कर सकते हैं, और इन दोनों को सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। द शेडो ऑफ अ पोल कास्ट एट सम टाइम ऑफ अ डे इज शोन हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज वुड सुकृति मोस्ट प्रोबेबली बी डूइंग एट दिस टाइम। अभी देखो इधर पे पहले तो देखो इधर डायरेक्शन दे रखा है, ईस्ट इस तरफ है, वेस्ट इस तरफ है, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, ऊपर नॉर्थ साउथ, यहाँ पर ईस्ट और यहाँ पर वेस्ट। सन कहाँ से उगता है बच्चों, सन हमेशा ईस्ट से ही उगता है। ठीक है, अगर यहाँ से सन होगा तो शेडो वेस्ट की तरफ है, वेस्ट की तरफ ऊपर से बड़ा शेडो है, छोटा है क्या, नहीं बहुत बड़ा शेडो, इससे भी बड़ा है, मतलब मॉर्निंग सेशन है, सन जस्ट राइज हुआ है उसके बाद ये शेडो बड़ा फॉर्म हुआ है वेस्ट साइड में। अगर शेडो इस तरफ होता तो सन कहाँ होता, इस तरफ होता है वेस्ट में, मतलब इवनिंग वाला टाइम। ठीक है बच्चों, लेकिन शेडो वेस्ट साइड में है और सन हमारा भी ईस्ट में है, तो ये मॉर्निंग सेशन, मॉर्निंग में क्या करते हो, देखो क्या है, देखो गोइंग फॉर हर इवनिंग वॉक गलत है, बी रिटर्निंग होम फ्रॉम स्कूल ये तो आफ्टरनून वाला है, सी ईटिंग हर ब्रेकफास्ट ये मॉर्निंग वाला काम है बच्चों, तो ईटिंग हर ब्रेकफास्ट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी ईटिंग हर डिनर ये रात वाला है, ये भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिफर टू द गिवन फूड चेन, सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज पी टू टी। अभी देखो ये पूरा दे रखा है पी टी क्यू आर एस। ठीक है, अभी इसमें से आइडेंटिफाई, देखो पहले देखो इसमें क्या है ना, फूड चेन दे रखा है, टी क्या है ना कोई प्लांट होगा, उस प्लांट को क्यू खा रहा है। ठीक है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर होगा, क्यू को आर खा रहा है तो आर सेकेंडरी होगा, और आर को एस खा रहा है, एस टर्शरी कंज्यूमर मतलब थर्ड वाला कंज्यूमर है, लेकिन पी क्या है, पी सबको यूज़ कर रहा है, मतलब ये कहीं तो डीकम्पोजिशन होता है बच्चों।
ठीक है, डीकम्पोज होता है ना, हम जैसे कोई बॉडी को डीकम्पोज होना होता है ना, सड़ जाता है, प्लांट भी क्यों भी कोई भी होगा, हम भी एनिमल्स भी जो होता है ना, वो भी अगर हम उसको ज़मीन में गाड़ देंगे तो डीकम्पोज हो जाता है बच्चों, ठीक है। तो देखो इसमें से देखो प्लांट टी जो है प्लांट होना चाहिए, देखो ये टी मेस प्लांट है, और मशरूम जो है डीकम्पोज के लिए यूज़ होता है, तो क्यू क्या हो गया रैट, आर क्या है रैट को स्नेक खाता है बराबर आर, और एस क्या है देखो काइट, काइट को स्नेक को काइट खा जाता है, तो बी जो है ये ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी मशरूम फॉर डीकम्पोज, रैट जो है सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक जो है रैट जो है प्राइमरी कंज्यूमर है, स्नेक जो है सेकेंडरी कंज्यूमर है, और काइट जो है वो टर्शरी कंज्यूमर, और ये टी जो है वो मेज प्लांट है, टी जो है वो मेज प्लांट है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किमया स्विच्ड ऑन हर बैटरी ऑपरेटेड कार, द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी डेट टेक्स प्लेस व्हेन दिस कार इज स्विच्ड ऑन कैन मोस्ट लाइकली बी रिप्रेजेंटेड एज, अभी देखो उसका क्या है बैटरी ऑपरेटेड कार है, मतलब उसमें बैटरीज में क्या होता है बच्चों, केमिकल्स होता है, केमिकल एनर्जी है अभी बैटरी में, और जैसे उसने कार स्विच ऑन किया तो कार मूव करने लग गया, तो कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, तो मतलब क्या हुआ केमिकल एनर्जी से क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी, देखो केमिकल एनर्जी बी, केमिकल एनर्जी से क्या हो गया काइनेटिक एनर्जी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हर्षिता ऑब्जर्व्ड बर्ड एम ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, बर्ड एम कैन फ्लाई एंड कैन डिग द ग्राउंड टू ब्रिंग आउट वॉर्म सीड एक्सेट्रा, गिवन हियर आर सम बीक्स एंड फीट ऑफ डिफरेंट बर्ड, देखो फीट एंड बीक्स दे रखा है, तो हमें फाइंड आउट करना है कौन सा वो एम जो बर्ड है वो फ्लाई भी कर सकता है और ग्राउंड को डिग कर रहा है, अभी देखो इसमें ऑप्शन देखो तो डिग करने वाला ग्राउंड को डिग जो करता है वो स्क्रैचिंग बर्ड होता है, स्क्रैचिंग बर्ड कौन सा है, ये तो डक है, डक का तो वेब फिट है, इससे स्क्रैच कर सकता है क्या, नहीं, ये तो ईगल है बच्चों, देखो इसका ये फ्लैश ईटिंग बर्ड है, और हैन, हैन जो है स्क्रैचिंग बर्ड है, देखो पी हैन और टी उसका जो है वो फीट है, तो पी एंड टी, ठीक है, ऑप्शन कौन सा बी कौन सा होना चाहिए पी, और फुट कौन सा होना चाहिए टी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, हैन जो होता है वो स्क्रैच करता है, वो स्क्रैचिंग बर्ड है, ठीक है बच्चों, तो दे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द गिवन रिलेशनशिप बेस्ड ऑन हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली सेटिस्फाइज द सेम रिलेशनशिप, अभी देखो ये दिए रखा है डकवीड है, ए दिया है एक्वेशिया, और ये वीनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है बच्चों, डकवीड जो है वो एक्वेटिक प्लांट है, डकवीड क्या है एक्वेटिक प्लांट है, ठीक है, और ये जो एकेशिया डेजर्ट प्लांट है, और ये वीनस फ्लाई ट्रैप ये इंसेक्ट को खाता है, ये जो प्लांट है ना बच्चों इंसेक्ट, ये इंसेक्टिवोरोस है, ठीक है। अभी देखो इसमें से ऑप्शन देखता है कौन सा है, तो लोटस, लोटस तो एक्वेटिक प्लांट बरोबर है, लेकिन पेपर जो है वो डेजर्ट नहीं है बच्चों, प्लेन एरिया में रहता है, ठीक है, तो ये नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन ही गलत। बी देखो टेप ग्रास, ये एक्वेटिक प्लांट है, कोकोनट भी प्लेन एरिया में होता है, डेजर्ट में होता है क्या, डी डेजर्ट में नहीं, तो ये भी गलत है, डेजर्ट में तो डेट पाम होता है, ये गलत दे रखा है। सी क्या है देखो कोकोनट, कोकोनट एक्वेटिक है क्या, नहीं, कोकोनट भी प्लेन, इधर भी गलत दे रखा है, ये जो है ना ये ऑप्शन गलत है। डी देखो डी सही है, हाइड्रिला एक्वेटिक प्लांट है, कैक्टस डेजर्ट प्लांट है बरोबर सेंटर में, पिचर प्लांट, पिचर प्लांट और विनस दोनों इंसेक्टिवोरोस है बच्चों, डी, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंशिका's टीचर हैज मेड फोर सेटअप्स इन हर क्लास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेटअप्स विल द स्टूडेंट बी एबल टू सी अ ब्राइट पैच ऑफ लाइट ऑन द स्क्रीन, अभी देखो चार सेटअप कर रखा है, इन चार में से है ना किस में हमें ब्राइट लाइट, एक कैंडल है और एक कार्डबोर्ड बीच में ऐसे होल दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर एक स्क्रीन है, तो ये जो लाइट है ना इसमें से ट्रैवल होकर के स्क्रीन में दिखना मांगता है लाइट हमें, तो लाइट हमें क्या है ना, लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन बच्चों, याद रखना कभी भी, लाइट कैसे ट्रैवल करता है, इट ऑलवेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अभी यहाँ पर देखो होल ऊपर नीचे है और लाइट यहाँ पर जाएगा लेकिन फिर नीचे की तरफ थोड़ी ऐसा ऊपर स्ट्रेट ट्रैवल करता है, तो यहाँ पर लाइट नहीं आएगा, तो ये गलत ऑप्शन है। बी में भी देखो यहाँ ये नीचे की तरफ आ गया, ये नीचे फिर ऊपर, ये भी स्ट्रेट नहीं, ये भी गलत है। सी देखो ये तीनों होल स्ट्रेट है लेकिन कैंडल का जो ऊपर जो फ्लेम है ये ऊपर की तरफ है, तो इधर मैच कर रहा है क्या, नहीं, वो नीचे की तरफ आएगा, नहीं, क्योंकि वो स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट नहीं है, तो डी देखो, ये देखो ये फ्लेम होल तीनों होल एकदम स्ट्रेट है, तो ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ से लाइट ट्रैवल होकर के स्क्रीन में दिखेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में दिखाई देगा, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हैव अ क्राउन आई एम नॉट अ किंग, आई हैव अ नेक आई एम नॉट एन एनिमल,
आई हैव अ रूट, आई एम नॉट अ प्लांट। बच्चों अभी व्हाट डस आई रिप्रेजेंट इन द एबो रिडल, बैक्टीरिया नहीं, टूथ, ऑप्शन बी टूथ इज द करेक्ट आंसर, नेल टंग। क्यों टूथ बोल रहा हूँ, टूथ का जो पार्ट्स होता है ना बच्चों, कभी आप डेंटिस्ट के पास जाओगे, डेंटल जो हॉस्पिटल होता है, कभी वहाँ जाना देखो, वहाँ पर टूथ के पार्ट्स दिए होते है ना, तो उसमें क्राउन होता है, नेक होता है और रूट होता है, तो टूथ इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री डिफरेंट अलार्म क्लॉक्स एक्स वाई जेड वर पुट एट डिफरेंट थ्री डिफरेंट प्लेसेस, साउंड इन डेसिबल दे प्रोड्यूस। अभी इधर डेसिबल साउंड कितना प्रोड्यूस कर रहा है, एक्स थोड़ा प्रोड्यूस कर रहा है, जेड बहुत ज़्यादा कर रहा है, वाई तो बिल्कुल भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। वेन द अलार्म रैंग इज प्लॉटेड इन द गिवन ग्राफ, साउंड प्रोड्यूस बाय क्लॉक वाई कुड नॉट बी हर्ड बिकॉज, अभी वाई का है ना बिल्कुल भी नहीं सुनाई दिया, देखो साउंड एकदम जीरो है, एक्स का सुनाई दिया, जेड का तो ज़्यादा सुनाई दिया, वाई का बिल्कुल भी नहीं सुनाई दिया, क्यों? अभी ऑप्शन देखो, द क्लॉक वॉज पुट इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर, अगर वाटर में भी होगा क्लॉक रहेगा तो भी हमें सुनाई देगा, क्यों? क्योंकि साउंड ट्रेवल्स थ्रू लिक्विड, वाटर के थ्रू ट्रेवल कर सकता है, कम सुनाई देगा लेकिन सुनाई जरूर देगा। बी क्या बोला, द क्लॉक वॉज पुट इन अ कार्डबोर्ड बॉक्स, अगर किसी बॉक्स में भी रखेंगे तब भी हमें साउंड सुनाई देगा, कम सुनाई देगा लेकिन सुनाई पक्का देगा। सी क्या बोला, द क्लॉक वॉज पुट इन अ जार विथ वैक्यूम, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, वैक्यूम मतलब कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं है अंदर, ठीक है, साउंड कैनॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, याद रखना बच्चों कभी भी वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल नहीं कर सकता साउंड, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डी क्या, द क्लॉक वॉज पुट इन अ प्लास्टिक बैग, अगर प्लास्टिक बैग में भी हमें क्लॉक है, अगर वो अलार्म बजेगा तो हमें फिर भी सुनाई देगा, ठीक है, तो लेकिन वैक्यूम में हमें सुनाई नहीं देगा क्योंकि साउंड कैनॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अभी देखो अचीवर सेक्शन शुरू हो रहा है बच्चों, थोड़ा टफ होता है लेकिन कुछ नहीं है, हम देखते हैं क्या है, बहुत इजी होता है, आप ध्यान से देखोगे तो। अभी आइडेंटिफाई प्लांट्स पी क्यू एंड, अभी देखो तीन प्लांट दे रखा है, एंड सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दैम, अभी स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है रिगार्डिंग दैम, ठीक है। देखो ये तो हियासिंथ प्लांट है, ये लोटस प्लांट है, और आर जो है हाइड्रिला प्लांट, ये पानी के नीचे होता है, ये ऊपर फ्लोट करता है, ये दोनों प्लांट, ठीक है। अभी देखो फर्स्ट क्या बोला, इन प्लांट क्यू लोटस में स्टोमाटा आर प्रेजेंट ओनली ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव, ये सही बोल रहा है बच्चों, ठीक है, लोटस पे स्टोमाटा कहाँ होता है, ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव। टू क्या बोला, डकवीड एंड वाटर ल्यूटस आर अदर एग्जांपल ऑफ क्यू टाइप ऑफ प्लांट, डकवीड एंड वाटर ल्यूटस क्या है ना, ये फ्लोट करते हैं और बच्चों मूव करते हैं, ठीक है, लेकिन लोटस एक ही जगह पर रहता है, तो ये भी गलत बोल रहा, ऑप्शन सेकेंड जो है। थर्ड क्या बोला, द लीव्स ऑफ प्लांट आर डू नॉट हैव स्टोमाटा, आर का जो प्लांट का लीव है उसको स्टोमाटा नहीं होता क्योंकि वो पानी के अंदर होता है, इसलिए उसको स्टोमाटा नहीं होता है, ये सही बोल रहा है बच्चों, ठीक है। फोर्थ क्या बोला, रूट्स ऑफ प्लांट पी आर फिक्स्ड एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, नहीं ये गलत बोल रहा है, इसका जो रूट्स होता है ना वो पानी में ऊपर ही तैरता रहता है, वो नीचे बॉटम में नहीं होता है बच्चों, वहाँ पर फिक्स नहीं होता है, ये फ्लोट करता रहता है ऊपर ही पानी में, तो ये भी गलत। तो फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, देखो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू द गिवन फ्लो चार्ट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज पी एंड एस, पी क्यू आर एस, कौन मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अभी देखो पी क्या है, इट इज एन एग लेइंग एनिमल, नो, मतलब पी क्या है, जो एग लेइंग नहीं है, मतलब डॉल्फिन हुआ, ठीक है, देखते हैं। फिर क्या है, यस बोल के, इट हैज सिक्स लेग, नो, क्यू, क्यू क्या है, एग लेइंग एनिमल है लेकिन उसको छह पैर नहीं है, ठीक है, तो पी एंड क्यू, जैसे सालमन, डॉल्फिन, सालमन, ऑप्शन बी ही मेरे को करेक्ट लग रहा है बच्चों, देखो, और सी भी हो सकता है, डॉल्फिन एंड सालमन, लेकिन एस क्या है और आर क्या है, आर क्या बोला, इट हैज थ्री स्टेजेस इन लाइफ साइकिल, यस, तो कॉकरोच के थ्री स्टेज होता है, और हाउस फ्लाई जो होता है ना उसको फोर स्टेजेस होता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन सी आर, ये सही है, ऑप्शन बी, डॉल्फिन, सालमन, कॉकरोच, सी में क्या, हाउस फ्लाई आ गया, इसको फोर स्टेज होता है, लेकिन क्या बोल रहा है, यस आर, थ्री स्टेज होना चाहिए, तो कॉकरोच को थ्री स्टेज होता है, और नो एस, हाउस फ्लाई, ठीक है, तो हाउस फ्लाई को फोर स्टेज होता है, तो इसलिए वो नो में है, तो ऑप्शन बी, डॉल्फिन, सालमन, कॉकरोच एंड हाउस फ्लाई, दिस इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफर टू द गिवन लिस्ट ऑफ सम डिजीज, हाउ मेनी ऑफ दिस डिजीज आर कॉज्ड बाय वायरस, अभी कौन कौन से डिजीज मतलब वायरस से होता है ना वो मैं फाइंड आउट करना, देखो कितने डिजीज दे रखा है, डेंगू, डेंगू होता है वायरस से, पोलियो होता है ये भी वायरस से होता है, रिंग वॉर्म ये फंगस से होता है बच्चों, ठीक है, रिंग वॉर्म, टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरिया से होता है, ट्यूबरक्लोसिस वो भी बैक्टीरिया से होता है, मलेरिया ये भी बैक्टीरिया से होता है,
कॉमन कोल्ड ये वायरस से होता है, तो वायरस से कितना हुआ, तीन, डेंगू पोलियो कॉमन कोल्ड, ये सब होता है वायरस से, रिंग वॉर्म फंगस से, ठीक है, टाइफॉइड ट्यूबरक्लोसिस और मलेरिया, ये तीनों जो होता है वो बैक्टीरिया से, ठीक है, याद रखना बच्चों, अभी तो पूछा है वायरस, तो तीन है, तो ऑप्शन ए, थ्री जो होता है वो डिजीज डेंगू पोलियो और कॉमन कोल्ड जो कि वायरस से होता है, अगर फंगस से पूछा होता तो एक होता है रिंग वॉर्म, और अगर बैक्टीरिया से पूछा तो तीन, टाइफॉइड ट्यूबरक्लोसिस मलेरिया, तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों कौन सा डिजीज किससे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो दो क्वेश्चन एक ही, इसमें एक वर्ड चॉप टेबल दे रखा है, देखो रिफर टू द गिवन वर्ड चॉप टेबल, मेक कॉम्बिनेशन ऑफ बॉक्सेस टू फाइंड द नेम्स ऑफ फाइबर्स एंड मटेरियल्स हिडन इन इट एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन क्या है हम बाद में देखते हैं, पहले तो हम देखते हैं इसमें फाइबर्स और मटेरियल क्या है वो हमें फाइंड आउट करते हैं। देखो COOT, ये T8, वन, ये वन, COT और TON, इसको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, कॉटन, ठीक है बच्चों, ठीक है, ये तो कॉटन हो गया, वैसे ही S2 और 12 को सिल्क, SILK, क्या मिल गया बच्चों, सिल्क, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं RUB और ये BER रबर, ठीक है, RUB, ये नेक्स्ट मिल गया मटेरियल, ठीक है बच्चों, रबर मिल गया। WOOD, देखो 4 और 11 को हम मिलाएंगे तो वुड, WOOD वुड एक मिल गया बच्चों, ठीक है, ठीक है, एक वुड मिल गया। नेक्स्ट क्या है फिर, NY, NYLON, 5 और 6 को मिलाएंगे तो NYLON, नायलॉन, ठीक है बच्चों, तो नायलॉन मिल गया हमें। फिर क्या बचा है, देखो PLAS प्लास्टिक, TIC प्लास्टिक, 7th और 13th को हम मिक्स करेंगे तो मिल जाता है हमें प्लास्टिक, ठीक है बच्चों, प्लास्टिक। नेक्स्ट क्या है अभी, PA, 9 और 10 को अगर हम मिलाएंगे तो पेपर, PAPER, पेपर, ठीक है बच्चों, ये पेपर, इतने हमें मिल चुके हैं बच्चों, ठीक है। अभी क्या क्वेश्चन क्या बता, देखो इतना हमें फाइबर एंड मटेरियल्स मिल चुके हैं, अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो हमें फाइंड आउट करते हैं। 34th का क्या बोला, क्लोथिंग आइटम्स दैट कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम डैश कैन नॉट बी मेड फ्रॉम एनी ऑफ द फाइबर्स गिवन इन द टेबल, अभी ये फाइबर्स दे रखा है ना, कैन नॉट बी मेड, ठीक है, अभी कैन नॉट बी मेड, देखो हॉट वेदर के लिए हमें क्या चाहिए, कॉटन, कॉटन है, रेनी रेनी सीजन, कोल्ड के लिए क्या चाहिए हमें, वुल चाहिए, वुलन क्लोथ चाहिए ना बच्चों, तो वुल चाहिए, वुल यहाँ देख दिया है कि वुड है लेकिन वुल नहीं है, ठीक है, WOOD वुड है हमारे पास लेकिन वुल नहीं है, तो कोल्ड जो है कैन नॉट बी मेड, यहाँ पर आएगा एक्सट्रीम कोल्ड के वक्त हमें कौन सा नहीं मिल रहा है, वुल, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों। हॉट के समय क्या चाहिए हमें, एक्सट्रीम हॉट वेदर रहेगा तो हमें कॉटन चाहिए, तो कॉटन तो है यहाँ पर, रेनी सीजन में क्या चाहिए हमें, रेनकोट चाहिए, ठीक है, एक्सट्रीम रेन में क्या, रेनकोट, रेनकोट किससे बनता है, रबर, रबर भी है लेकिन कैन नॉट बी मेड है, मतलब कौन सा चीज़ नहीं है, वुल नहीं है, जो कि इसलिए कोल्ड आंसर आएगा, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, सेलेक्ट द आइटम डैट कैन नॉट बी मेड फ्रॉम एनी ऑफ द मटेरियल्स गिवन इन द टेबल, अभी इनमें से जो है ना कैन नॉट बी मेड, अभी डायमंड किसका बनता है, जो डायमंड जो बनता है वो कार्बन का बनता है, ठीक है बच्चों, तो कार्बन है क्या हमें मिला यहाँ पर, नहीं मिला, तो कार्बन ऑप्शन ए ही इसका भी करेक्ट आंसर है। बी क्या है, चेयर है, वुडन चेयर है, तो वुड तो है। सी क्या है, बलून है, वो रबर का बनता है बच्चों, रबर भी है। डी क्या, न्यूज़पेपर है, वो पेपर से बनता है, जो कि पेपर भी है, इस वुडन, ये वर्ड चॉप टेबल में था ना पेपर, पेपर भी है, तो कौन सा नहीं था, डायमंड, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस पेपर को अभी सॉल्व कर चुके हैं बच्चों, अगर आपको इस वीडियो आपको पसंद आ रहा है और आप समझ पा रहे हैं ना बच्चों, तो आप इसको पक्का सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करोगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा बच्चों, तो मैं और वीडियोस आपको 4th स्टैंडर्ड के साइंस के ना प्रीवियस ईयर्स के और पेपर्स को मैं डालूंगा, जो 2021 है, फिर 22 के पेपर्स को भी मैं अपलोड करूँगा बच्चों, ठीक है। तो आप अपना ख्याल रखो बच्चों और एन्जॉय करो और अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है बच्चों, बाय।